दुनिया का सबसे बड़ा देश रशिया। बड़े होने के साथ साथ रशिया टूरिस्ट में भी काफी पॉपुलर है। रशिया हर टाइप के टूरिस्ट के लिए एक आइडियल प्लेस है, जहां पर आप बीचेस, माउंटेन्स, कोल्डेस्ट टाउन इन द वर्ल्ड, डेजर्ट, फॉरेस्ट, हिस्टोरिकल एंड रिलीजियस प्लेसेस एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो इस वीडियो में मैं आपको रशिया के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा कि रशिया कब जाएं, कैसे जाएं, कितना खर्चा आएगा रशिया घूमने का, होटल एंड फूड एक्सपेंस। सो ये वीडियो एज अ गाइड काम करेगी जब भी आप रशिया का ट्रिप प्लान करेंगे। सो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, जिससे कि ट्रैवल फॉर ऑल की सभी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। रशिया की कैपिटल मॉस्को है और रशिया की ऑफिशियल लैंग्वेज रशियन है। लैंग्वेज का थोड़ा इशू आपको आ सकता है, सो आप गूगल ट्रांसलेट जरूर डाउनलोड कर लें। नॉर्मली होटल्स और रेस्टोरेंट में आपको इंग्लिश बोलने और समझने वाले लोग मिल जाएंगे। रशिया की करेंसी रूबल है, जो कि एक रूबल इंडिया के 1.31 रुपीस के बराबर होता है। रशिया की सबसे बड़ी और मोस्ट विजिटेड सिटीज मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग है। रशिया पहुंचने के लिए आप मॉस्को की फ्लाइट लेकर आ सकते हैं। दिल्ली से मॉस्को आने जाने की फ्लाइट आपको 45 से 50,000 रुपये के बीच में मिल जाएगी। फ्लाइट की आप 2 से 3 मंथ पहले एडवांस बुकिंग करवा लें। वीज़ा की बात करें तो 8,000 रुपये में आपको रशिया का वीज़ा मिल जाएगा। वीज़ा आप VFS ग्लोबल की साइट से अप्लाई कर सकते हैं। वीज़ा आने में 10 वर्किंग डेज का समय लगता है। मॉस्को पहुंचकर आप करेंसी कन्वर्जन करा लें और सिम कार्ड भी जरूर ले लें, क्योंकि इंटरनेट की ज़रूरत आपको पड़ेगी। सो सिम कार्ड आपको 1,000 से 1,500 रुपये के बीच में मिल जाएगा, जिसमें आपको अराउंड 30 GB डाटा मिल जाएगा। होटल की बात करें तो एवरेज होटल आपको 2 से 3,000 की रेंज में मिल जाएगा, या फिर आप हॉस्टल या होम स्टे 1 से 2,000 रुपये की रेंज में ले सकते हैं। बेस्ट टाइम टू विजिट की बात करें तो रशिया एक ठंडा देश है। कोल्डेस्ट सिटी इन दी वर्ल्ड ओमियोकोन भी रशिया में है, जहां मिनिमम टेम्परेचर -72 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया है। सो रशिया आने का बेस्ट टाइम समर का रहता है। सो अप्रैल टू अक्टूबर इस टाइम एवरेज टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। रशिया में आप बस, टैक्सी और मेट्रो से घूम सकते हैं। बस से आप घूमना चाहें तो बस से आप 55 रुपये में सिंगल जर्नी कर सकते हैं। सो आप अपने फ़ोन में येंडेक्स मैप मॉस्को जरूर डाउनलोड कर लें। ये मैप आपको बस, टैक्सी, रेस्टोरेंट, होटल, ग्रोसरी, सैलून, हर चीज़ में हेल्प करेगा। लैंग्वेज कंसर्न आपको रशिया में आ सकता है। सो इस मैप के थ्रू आप अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच सकते हैं। टैक्सी से आप घूमना चाहें तो टैक्सी का बेस फेयर 150 रूबल अराउंड 200 रुपये से स्टार्ट होता है। 20 रूबल अराउंड 26 रुपये पर किलोमीटर के चार्जेस लगते हैं। मेट्रो से आप घूमना चाहें तो 55 रूबल अराउंड 72 रुपये में सिंगल जर्नी कर सकते हैं, या फिर आप होप ऑन होप ऑफ बस टूर भी कर सकते हैं, जिसमें आपकी मोस्टली सभी टूरिस्ट प्लेसेस कवर रहती हैं। 2000 से 2500 रुपये में आप वन डे का बस टूर कर सकते हैं। सो मॉस्को में आप सबसे पहले जा सकते हैं सबसे फेमस रेड स्क्वायर। रेड स्क्वायर को 15 सेंचुरी में इवान द ग्रेट ने बनवाया था। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। 80,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ ये एक काफ़ी बड़ा सा स्क्वायर है। यहाँ पर आप सेंट बेसिल कैथेड्रल, जिसे 1561 में बनवाया गया था, जो कि 10 अलग अलग चर्चेस को मिलाकर बनी हुई एक कैथेड्रल है। यहाँ की एंट्री फीस 1,000 रूबल है, अराउंड 1,300 रुपये। और भी कई सारे म्यूजियम्स, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, शॉपिंग गैलरीज आप रेड स्क्वायर में घूम सकते हैं। रेड स्क्वायर को गवर्नमेंट और पब्लिक सेरेमनीज के लिए भी यूज़ किया जाता है। इसे पुराने टाइम में पावर का सिंबल माना जाता था। नेक्स्ट आप क्रेमलिन जा सकते हैं, जो कि अपने ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर के लिए फेमस है। यहाँ पर आप पैलेसेस, कैथेड्रल टावर्स, क्रेमलिन वॉल, जो कि 15 सेंचुरी में बनाई हुई वॉल है, देख सकते हैं। क्रेमलिन प्रेसिडेंट ऑफ रशिया का भी रेजिडेंस है। नेक्स्ट आप लेनिन मॉसोलियम जा सकते हैं,
जो कि फाइनल रेस्टिंग प्लेस है सोवियत यूनियन लीडर व्लादिमीर लेनिन की। नेक्स्ट आप बोल्शोय थिएटर जा सकते हैं। इस थिएटर को 1824 में बनवाया गया था। ये सबसे बड़ी और पुरानी बैले और ओपेरा कंपनी है। नेक्स्ट आप गुम जा सकते हैं, जो कि मॉस्को का सबसे पुराना और सबसे बड़ा शॉपिंग सेंटर है। इसका निर्माण 1800 में हुआ था। नेक्स्ट आप स्टेट हिस्टोरिकल म्यूजियम जा सकते हैं, जो कि दुनिया के 5 सबसे बड़े म्यूजियम में से एक है। नेक्स्ट आप एर्बेट स्ट्रीट जा सकते हैं। यहाँ पर आप हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, म्यूजियम, स्ट्रीट आर्टिस्ट, रेस्टोरेंट, कैफेज, बुक स्टोर, सोविनियर शॉप एक्सप्लोर कर सकते हैं। नेक्स्ट आप म्यूजियम ऑफ कॉस्मोनॉटिक्स जा सकते हैं, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी म्यूजियम है। यहाँ पर आप सोवियत रॉकेट इंजन, फर्स्ट सोवियत सैटेलाइट, स्पेस डॉग, मून रोवर, पर्सनल बिलोंगिंग ऑफ फर्स्ट सोवियत एस्ट्रोनॉट, स्पाइसी मैन फ्रॉम द मून देख सकते हैं। मॉस्को में आप रिवर क्रूज भी कर सकते हैं, जिसकी ड्यूरेशन 2 से 3 घंटे की रहती है। क्रूज में आप लंच या डिनर भी कर सकते हैं। विदाउट डिनर क्रूज टूर आपको 1300 से 1500 रुपए के बीच में पड़ेगा, और अगर आप विद डिनर क्रूज टूर करना चाहें तो 2800 से 3500 रुपए के बीच में आप कर सकते हैं। और मॉस्को में आप रशियन एग्जीबिशन सेंटर, प्लेनेटेरियम, स्पैरो हिल, म्यूजियम पार्क ऑफ आर्ट, मॉस्को जू, ड्रीम आइलैंड, अलेक्जेंडर गार्डन अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग घूम सकते हैं। 2 दिन मॉस्को में स्पेंड कर आप नेक्स्ट आप सेंट पीटर्सबर्ग जा सकते हैं। मॉस्को से आप सेंट पीटर्सबर्ग ट्रेन से जा सकते हैं। अगर आप नॉर्मल ट्रेन से जाना चाहें तो वो आपको 2500 रुपये की पड़ेगी, और 8 घंटे का टाइम आपको सेंट पीटर्सबर्ग पहुँचने में लगेगा, या फिर आप सुपरफास्ट ट्रेन से 3.5 घंटे में सेंट पीटर्सबर्ग पहुँच सकते हैं, जिसकी टिकट आपको 5000 से 6000 रुपए तक की पड़ेगी। सेंट पीटर्सबर्ग में आप वर्ल्ड बेस्ट हिस्टोरिकल अट्रैक्शंस देख सकते हैं। सबसे पहले आप जा सकते हैं हेरमिटेज म्यूजियम, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा आर्ट म्यूजियम है। यहाँ पर आपको 3 मिलियन से भी ज़्यादा आर्ट आइटम देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आप चर्च ऑफ द सेवियर ऑन स्पिल्ड ब्लड जा सकते हैं, जो कि एक हिस्टोरिकल चर्च है। ये चर्च उसी जगह पर बना हुआ है जहां पर अलेक्जेंडर टू की हत्या की गई थी, इसीलिए इसका नाम स्पिल्ड ब्लड है। नेक्स्ट आप कजान कैथेड्रल, जो कि एक रॉयल कैथेड्रल है, देखने जा सकते हैं। यहां पर आप रोमन टेंपल्स, चर्चेज, बेसिलिका देख सकते हैं। नेक्स्ट आप क्रूज एरोरा, जो कि एक वॉरशिप है जो अब म्यूजियम में कन्वर्ट कर दी गई है, उसे देखने जा सकते हैं। नेक्स्ट आप नेवा रिवरसाइड जा सकते हैं, जहां पर आप रिवरसाइड क्रूज, फूड स्टॉल, समर गार्डन, वेसिल्वेस्काई आइलैंड एक्सप्लोर कर सकते हैं। नेक्स्ट आप पीटरहॉफ पैलेस घूमने जा सकते हैं, जो कि बहुत ही सुंदर सा पैलेस बना हुआ है। यहाँ पर आप ब्यूटीफुल फ्रेंच इंटीरियर पैलेस और गार्डन एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यहाँ पर आपको 150 से भी ज़्यादा फाउंटेन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आप ग्रैंड मार्केट रशिया, जो कि काफ़ी बड़ा थीम म्यूजियम है, जा सकते हैं। यहाँ पर आप रशिया की एवरीडे लाइफ, ट्रांसपोर्टेशन, एग्रीकल्चर, मिलिट्री, टूरिज्म और भी बहुत सारे थीम देख सकते हैं। नेक्स्ट आप सेंट इसाक कैथेड्रल जा सकते हैं। और आप सेंट पीटर्सबर्ग में स्टेट रशियन म्यूजियम, पैलेस स्क्वेयर, कैथरीन पैलेस, मैरीन स्काई थिएटर अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जा सकते हैं। सेंट पीटर्सबर्ग घूमने के लिए आपको 2 दिन का समय चाहिए होता है।
फूड की बात करें तो रशिया में मोस्टली आपको नॉन वेज फूड ही मिलेगा। वेज फूड के आपको लिमिटेड ऑप्शन मिल जाएंगे। कुछ इंडियन रेस्टोरेंट भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। एक मील की बात करें तो 400 से 500 रुपए में आप एक मील ले सकते हैं। अगर आप होमस्टे या हॉस्टल में स्टे कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको किचन भी अवेलेबल हो जाता है, सो वहाँ पर आप अपना फूड कुक भी कर सकते हैं। रशिया में आपको जगह जगह डिपार्टमेंटल स्टोर मिल जाएंगे जहाँ से आप फ्रूट्स और वेजिटेबल ले सकते हैं। सो रशिया आप जब भी जाएं सिम जरूर ले लें, क्योंकि आपको लैंग्वेज का इशू आएगा, सो आप गूगल ट्रांसलेट यूज़ कर अपनी बात कम्युनिकेट कर सकते हैं। ऑफलाइन मैप भी जरूर अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लें। यनडेक्स मैप का यूज़ करें। गर्म कपड़े अपने साथ रखें, रशिया में ठंड ज़्यादा रहती है। बजट की बात करें तो रशिया में मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग घूमने के लिए आप 4 नाइट 5 डेज का ट्रिप प्लान कर सकते हैं, जिसका खर्चा कुछ इस तरह का रह सकता है। सो अगर आप 2 लोग होटल में रुक रहे हैं, सो 4 दिन होटल का खर्चा आपका 6,000 रुपये पर पर्सन, मील्स का 7,000 रुपये पर पर्सन, साइट सींग का 15,000 रुपये पर पर्सन, ट्रांसपोर्टेशन का 10,000 रुपये पर पर्सन, फ्लाइट का 45,000 रुपये पर पर्सन, वीज़ा का 8,500 और अदर एक्सपेंस 5,000 रुपये पर पर्सन खर्चा आ सकता है। सो इस तरह से आप 95,000 से 1,00,000 रुपीज़ के बीच में रशिया का ट्रिप प्लान कर सकते हैं। सो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।